देखिए, आज़ादी के 70 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति को ठीक करने के लिए जो एक बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि धारा 370 के प्रभाव को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, और मैं समझता हूँ पिछले एक वर्ष से जब से ये समाप्त हुआ है तब से कश्मीर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रही थी। लेकिन अचानक ये जो नेता है कश्मीर के, और वो जैसे पहले तो जेलों में बंद कर रखा था उनको, जैसे वो छूट करके आए तो अनाप शनाप बयान देने लग गए। और हद तो उस समय हो गई कि जब फारूक अब्दुल्ला के निवास पर जो इन्होंने गुपकार कॉन्फेडरेशन बनाई है, तो इस गुपकार समझौते के कारण से वहाँ की जो 7-8 पार्टियाँ हैं वो सब मिल गई, उन्होंने गठबंधन बनाया और उन्होंने घोषणा की कि हम वहाँ से 370 को दोबारा से बहाल कराएंगे। और देशद्रोहिता की हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि हम क्या चीन की सहायता लेनी पड़े, चीन की सहायता से 370 को हम यहाँ लेके आएंगे। जो देश की एकता अखंडता के लिए घातक 370 थी, नेहरू जी के जो देन थी, उसको समाप्त करने का श्रेय ये एक प्रकार का मोदी जी की सरकार को जाता है। उसको दोबारा लाने की जो बात कर रहे हैं वास्तव में देशद्रोहिता की बात है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ और जिसका सब लोगों को निंदा करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा एक घातक कदम होगा। और अभी जो कि वहाँ चुनाव आ रहे हैं जिला विकास परिषद के, और जिला विकास परिषद के नाते से ये सब पार्टियाँ, इनको मैं देशद्रोहिता की संज्ञा दूंगा। और अगर वहाँ की पार्टियाँ मिली हैं उसमें मुझे इतना आश्चर्य नहीं है जितना कांग्रेस को, जो कांग्रेस का जो रोल है, दोगली नीति है, वो उनको समर्थन दे रहे हैं। और यहाँ तक वहाँ उनकी जो मीटिंग होती है महबूबा जी के निवास के ऊपर, उस महबूबा जी के निवास के ऊपर जो मीटिंग होती है उसके अंदर दो कांग्रेस के नेता गए हैं। 13 नवंबर को वहाँ जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन है उसमें वो घोषणा करते हैं कि हम जो है गुपकार, ये जो फेडरेशन बनी है, ये जो समझौता इनका हुआ है, हम उसका सहयोग करेंगे। उधर तो कांग्रेस वहाँ बैठी समझौते में सहयोग कर रही है, और यहाँ दिल्ली में कांग्रेस के नेता बैठ के उसका विरोध कर रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं। आखिर साथ नहीं है तो अपनी जम्मू कश्मीर इकाई से जवाब क्यों नहीं पूछते हैं? और जम्मू कश्मीर की इकाई आज जिला विकास परिषद के अंदर और वो लोग मिल करके गठबंधन का सहयोग करके चुनाव लड़ रहे हैं। सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, ये कांग्रेस के नेता दोगले हैं, अंदर कुछ हैं बाहर कुछ हैं, यहाँ कुछ कहेंगे कश्मीर में कुछ कहेंगे। और वास्तव में जो गलती इनके पूर्वजों की, मैं कहूँगा नेहरू जी की गलती, नेहरू जी की वो गलती जो 1947 में जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूर्ण विलय जिसका नहीं करा पाए, जिसको मोदी जी ने आज पूर्ण विलय की ओर बढ़ा दिया है, अब उसकी ओर फिर ये दोबारा जा रहे हैं कि नेहरू जी की उस गलती को दोबारा ये दोहराएं। वास्तव में ये भी कांग्रेस के पार्ट पर भी निंदनीय काम। देशद्रोही लोगों को इससे ताकत मिलेगी, उनको शय मिलेगी, और जिस पाकिस्तान को हमने अलग 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 थलग करके खड़ा कर दिया था, आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान अलग थलग हो गया था हमारी इस नीति के कारण से। लेकिन आज कांग्रेस के इस बयानों से पाकिस्तान को फिर हवा मिलेगी और देशद्रोहिता का काम फिर वहाँ शुरू होगा। और इसको मैं समझता हूँ किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा। जनता समझदार है, जनता समझती है। अब चूँकि जनता जम्मू कश्मीर की खुली हवा में सांस ले रही है पिछले एक साल से, और वहाँ अब जिला विकास परिषद के चुनाव आए हैं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा मनोयोग से वहाँ के हमारे पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सब चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार का वातावरण है, चाहे वो जम्मू का एरिया हो, चाहे कश्मीर का इलाका हो, सब जगह आज भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का जो कार्यकर्ता है वो मजबूती से खड़ा है। और इन जो इस प्रकार की जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे वो PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन सब पार्टियों के नेताओं की बात को समझते हैं, निश्चित रूप से हम वहाँ चुनाव जीतेंगे और इनके मंसूबों को जो है नाश कराएंगे। देखिए, आज़ादी के 70 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति को ठीक करने के लिए जो एक बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि धारा 370 के प्रभाव को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, और मैं समझता हूँ पिछले एक वर्ष से जब से ये समाप्त हुआ है तब से कश्मीर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रही थी। लेकिन अचानक ये जो नेता है कश्मीर के, और वो जैसे पहले तो जेलों में बंद कर रखा था उनको, जैसे वो छूट करके आए तो अनाप शनाप बयान देने लग गए। और हद तो उस समय हो गई कि जब फारूक अब्दुल्ला के निवास पर जो इन्होंने गुपकार कॉन्फेडरेशन बनाई है,
तो इस गुपकार समझौते के कारण से वहाँ की जो 7-8 पार्टियाँ हैं वो सब मिल गई, उन्होंने गठबंधन बनाया और उन्होंने घोषणा की कि हम वहाँ से 370 को दोबारा से बहाल कराएंगे। और देशद्रोहिता की हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि हम चाहे चीन की सहायता लेनी पड़े, चीन की सहायता से 370 को हम यहाँ लेके आएंगे। जो देश की एकता अखंडता के लिए घातक 370 थी, नेहरू जी के जो देन थी उसको समाप्त करने का श्रेय ये एक प्रकार का मोदी जी की सरकार को जाता है, उसको एक दोबारा लाने की जो बात कर रहे हैं वास्तव में देशद्रोहिता की बात है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ और जिसका सब लोगों को निंदा करनी चाहिए।